रेडी हो ट्रैक के लिए? बिल्कुल। ये क्या बना रही हो? हार नानी। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जा रही हूँ घंडियाल देवता मंदिर। अगर आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लें। और अभी हम निकल रहे हैं घंडियाल देवता मंदिर के लिए। तो मेरे साथ जा रही है मेरी मम्मी और आरव को ऐसे फीवर हो गया था रात को भी, बट मम्मी ने मेडिसिन दी थी तो अभी ठीक है। अब रास्ते में अगर फीवर होगा तो फिर दवाई लेके जा रहे हैं हम साथ में। जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पर हमें 10 किलोमीटर हमारा ट्रैक होगा, तो यहाँ बहुत टाइम लगने वाला है हमें ऊपर पहुँचने में। और यहाँ अब निकलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ, मेरे साथ एक व्लॉगर भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको मिलाऊंगी उनसे भी। तो यहाँ भी निकलते हैं, चलो रेडी। रेडी हो गए? आर यू रेडी? हाँ रेडी। इसको लेके ज्यादा, इसको लेके 10 किलोमीटर हम कैसे चलेंगे मम्मी? 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है बेटा। आरव को पता नहीं कैसे लेके जाएंगे हम यार। आरव को हम आज हमारी बैंड बजने वाली है आरव के साथ। हाँ, और पीछे मामा। अरे शर्मा के रहो, अब तो आ जाओ। ये मेरे मामा हैं, तो ये भी हमारे साथ जाएंगे हमारे साथ परेशान होने के लिए। इसके पीछे थोड़ा, तो इसके पीछे जाना है, पीछे तो मजा आने वाला है। तो निकलते हैं, बहुत ही लंबा ट्रैक होने वाला है, मेरी तो हालत बुरी होने वाली है। जो भी मैं पहली बार ट्रैक करने वाली हूँ तो बहुत मजा आएगा। इस गाड़ी में हम थोड़ी आधे रास्ते तक जाएंगे, वहाँ से हमें ट्रैक करके जाना पड़ेगा। ये बैठ गई, डांस करके जाना पड़ेगा। ये ऊपर बैठे थे, रेडी हो ट्रैक के लिए? बिल्कुल। ये कितना मजा आता है तो। हाँ यार, पर कितना सुंदर है ये जगह, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो चलो अब चलते हैं, वाओ मजा आने वाला है पहाड़ में चलने में। 4 घंटे में तो शायद पहुंच जाएंगे हम ऊपर, और वापस आने में हमें जल्दी हम आ जाएंगे, 1-2 घंटे में हम नीचे आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने में मुश्किल होगी क्योंकि हमारे साथ आरव भी है। तो अब ये कि अगर आरव है हमारे साथ तो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है ऊपर पहुंचने में, मतलब समझ लो 5 घंटे में एक्स्ट्रा ऊपर लग सकते हैं। पर अगर सही रहा आरव, परेशान नहीं करेगा, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो मम्मी तो यहाँ पर आ चुकी है पहले भी, बट मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। और वैसे ही यहाँ पर जो मंदिर है ना घंडियाल देवता का मंदिर, वो नया बना है अभी, थोड़ा मतलब उसको रेनोवेट किया है तो थोड़ा अच्छा बना है। तो हम वहाँ से आए, वहाँ से गाड़ी से वहाँ तक, अगर वहाँ से पैदल आते तो हमारी बैंड बच जाती, अभी तक तो हम पहुँच भी नहीं पाते होते यहाँ पर। सही में कितनी बार जा चुके हो? हाँ 10-20 बार का जा रखा हूँ मैं ऊपर। सही है, कितने तेज आ रही है करंट की आवाज, बहुत ज्यादा, कोई चिपक गए से 1 मिनट में खत्म। मामा तो बड़े तेज है यार, कितनी जल्दी आगे भाग गए। हाँ पता है, कुछ नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है। आरव के साथ मम्मी फंस गई। और ले आरव को, और ले आओ। थक गई आरव उठा कर लेकर, काफी दूर है यार ऊपर चलने को, बहुत ज्यादा। अच्छे से पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए तो सही रहेगा, क्योंकि वापस घर भी तो पहुंचना ही है। जो भी है, जय घंडियाल देवता की। तो ये सारे चीड़ के पेड़ है। आरव को लेके आना, मतलब तो इस पेड़ में जो उगता है मैं आपको दिखाती हूँ क्या उगता है। ये रहा वो, मिल गया। तो ये चीज उगती है इसमें, इन पेड़ों में, और इसके अंदर कुछ होता है जो खाते हैं, है ना मम्मी? खाने के लिए होता है ना। एक दिन पापा ने बताया था मुझे, इसके अंदर होता है, हमने खाया है, बीज सा होता है कुछ, तो मस्त लग रहा है। बहुत ही ज्यादा पीसफुल जगह है, एकदम शांत जगह, शहर की उस धूल मिट्टी से दूर। यहाँ पर रहने को मिल जाए ना तो क्या ही बात थी, बट वही फैसिलिटीज कम है यहाँ पर, यही बात है। पर धीरे धीरे यहाँ पर भी फैसिलिटीज हो रही हैं,
मुझे लगता है सभी शहर छोड़ के गांव ही बसने वाले हैं कुछ टाइम में। वहाँ का नाम है बोरू डांडू। अच्छा चलो, इतना ऊपर भी रहते लोग। इस जगह पे आपको ना बुरास के पेड़ मिलेंगे और काफल, गर्मी में आते काफल तो अभी नहीं होंगे, और बांज के पेड़ मिलेंगे। सही है, यहाँ पर ऊपर मस्त गर्मियों में आराम से बैठ के काफल तोड़ो खाओ। और यहाँ की काफल मैंने खाई भी हैं, बट मैं आई यहाँ पहली बार हूँ। भाई मैं पहली बार ऐसी जगह पे आ रही हूँ, सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। यहाँ पे तालाब है और उधर की तरफ गांव है और यहाँ तालाब है। यहाँ पे पक्का जंगली जानवर आते होंगे। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। ओ भाई भाई, तो यहाँ से है व्यू, मस्त तगड़ा व्यू एकदम। क्या बात है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। हाँ ठंडी हवा चल रही है। वहाँ से वो सड़क जो दिख रही है ना, वहीं से तो हम दिल्ली आते, वो उधर ना। हाँ गया भाई, जुकाम भी लग गया गंदा वाला। तो वो रहा मंदिर उधर पर। चलो भाई, 3.8 किलोमीटर दूर है अभी घंडियाल देवता मंदिर। चलो भाई, तो अभी क्या पूरी चढ़ाई स्टार्ट है, अब यहाँ से चढ़ाई है पूरी मंदिर तक चढ़ाई है। अभी मजा आने वाला है गाइस। अभी तो हम थोड़ा नॉर्मली चल रहे थे, अब देखना मजा आएगा। तो देख रहा आप, अभी सीधा यहाँ से ऊपर भी ऊपर चढ़ाई होगी पूरी, ऊपर वहां तक जाना है, फिर हमें उधर की तरफ। चलो भाई, हमने ना छक्के घास काट रखा है, पंच पत्ती ये सब। ये यहाँ तक ऊपर तक आए हो आप? हाँ यहाँ क्या, अब ऊपर तो जा पहले। अब लग रही है मैं थकान, तब बूढ़ी हो गई ना, बैठ के बूढ़ी नहीं हुई, बूढ़ी क्या हुई, तो घास काटने के लिए आते थे। हाँ ऐसे रील के तोड़ जाते थे। हाँ आराम, चलो सांस फूल जाएगी आपकी। अच्छा आशीष मामा हमारे साथ आए, नहीं तो मम्मी की मजा सी बज जाती। सही में हम दोनों की बैंड बज जाती है, दो महीने बाद जाते हम यहाँ से नीचे, एकदम पेड़ों के बीच में बैठे हुए जंगल में अकेले। एक भालू आए, दोनों खींच के ले जाए। हाँ भालू आ सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो नहीं आता। चल सब साथ साथ में चले, हम अकेले बैठे हैं। चलो भाई चलो, सब चले, कोई नहीं बैठा, सब चल ही रहे। और इतने बूढ़े बूढ़े अंकल आंटी ऐसे भागे ना आगे तक, मैंने कहा भाई साहब तभी करते हैं यहाँ पर रेस्ट थोड़ी देर के लिए, मैं थक गई बहुत ज्यादा। कांटे देखने कैसे चुभे मेरे पैर पे। तो मामा यहाँ पे लकड़ियों के लिए आते हैं, इधर पूरा भाई साहब काटने देते हैं यहाँ लकड़ियाँ, सरकारी तो नहीं है? सरकारी नहीं है, जानवरों की डर ज्यादा है। अच्छा जानवरों का डर ना, बाघ वाघ आता होगा यहाँ पर? बाघ नहीं पर भालू। हाँ भालू, आपने कभी देखा भालू को कभी सामने से? नहीं पर पेड़ पे देखा है। वैसे पेड़ पे देखा है? पेड़ पे भी होते भालू? पेड़ पे चढ़ता है वो। ओह सही है सही है, पर पेड़ से तो खाता है ऊपर। अच्छा ये क्या बना रही हो? पोटली, हारा की पोटली बना रहे हो? बनेगी। ओह तो ये गांव का स्टाइल है, थोड़ा गांव का क्या, बहुत जगह स्टाइल है ऐसा। बच्चों को लटका, बच्चों को लटका दो एक जगह। अच्छा लो, ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं है, ये बंदा नहीं है। क्या यार मम्मी भी यहाँ से चढ़ाई देख रहे हो आप? बाप रे यहाँ से चढ़ाई है सही मस्त वाली। एक बात तो है, ट्रैक करने में बहुत मज़ा है, बहुत ज़्यादा मज़ा है, बट अगर मेरी बहनें होती मेरे साथ तो मुझे बहुत मज़ा आता, उनकी याद भी आ रही मुझे। सच में बहनें होती तो बहुत मज़ा आता है, दोस्त होते बहुत ज़्यादा मज़ा आता। ट्रैकिंग करने में अलग ही मतलब, ये होता ना बात करते करते पता ही चलता हम कब पहुँच गए, ये होता है। अब मम्मी को देख लो, और वो रहा गज्जा, और हम वहाँ से आए एकदम, मतलब आए तो हम वहाँ से हैं, पर आदमी वो देखा था ना तालाब, तो वो तालाब उसी साइड पे। अभी थोड़ा और ऊपर जाना है हमें, फिर थोड़ा सही रास्ता आ जाएगा जाने के लिए। सो मीट नो मेट नरी ना।
इनका भी चैनल यूट्यूब में। ओह भाई साहब, इतना टाइम लगा दिया आपने आने में, कितनी जल्दी पहुंच गए हमसे पहले यहाँ तक। तो इनका असली नाम नरेंद्र नेगी है, और आप कहाँ से हो? टिहरी गांव का नाम दिगोटी। ओह थैंक गॉड, कोई तो वाटर लेके आए वो लोग। इनका प्लान था कि चूल्हा लेके आते, ओह मजा आता, पर यहाँ जलाते सही है। मेरा भी मन कर रहा अभी ऐसे करने का, चक्कर से आ रहे इसलिए बैठ गई। मैंने कहा रिस्क नहीं लेना, कहीं गिर जाऊँ नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ देखो ना नीचे गिरी तो सीधा पहुँचूंगी नीचे। ये बहुत परेशान तो बस वहाँ रह गया मंदिर, उधर जाना है आपको, झुलक की आवाज़ आएगी अभी। और ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है मंदिर का। ओके हारना नहीं, बस थोड़ा और दूर रह गया वहाँ पर। देखो आपको ढोलक की आवाज़ें आ रही होंगी, बस हम पहुँच गए कुछ देर में, बस थोड़ा और चलना है हमें आगे तक। और यहाँ के नज़ारे मस्त है भाई, रास्ता ही क्या है मस्त कमाल का। तो कल ये कैंपिंग से आए, कौन से कैंप से आए थे आप? कैंपिंग वहाँ पे की, मतलब कहाँ कैंपिंग? तो लोकल में ही की थी हमने। अच्छा सही है, ऐसे कहीं भी चले और मस्त है कैंपिंग का एक्सपीरियंस तो अलग ही भाई। जैसे हम जाते हैं ना तो हम होटल वगैरह में बहुत कम प्रेफर करते हैं, लेकिन कैंपिंग का जो मजा है ना भाई, लकड़ी बॉन फायर, लकड़ी मैगी, एग, फ्रेंड्स, ओ गॉसिप, उसका मतलब मजा ही आता है सही है बहुत ज्यादा। और जो स्टार गेजिंग होती है ना नाइट को, आए हाय सुकून, मैंने सच में वो कभी नहीं देखा। ओ बहुत मस्त मजा आता है उसमें तो, वो तो अलग ही लेवल होता है। मतलब ना उसे देखने के लोग मतलब ऐसे ऐसे जगह जाते हैं, जैसे लद्दाख हो गया कि इस स्पेशल जाते हैं लोग, लेकिन हमारा हम खुश नसीब है कि उत्तराखंड में ही हमारा जन्म है, तो हमें भाई यहीं पे देखने को मिल जाता है। और दिल्ली से केवल 250 किलोमीटर की दूरी पे है वही, क्या बोलते हैं, क्लियर स्टार्स दिखते हैं बहुत ज्यादा। बहुत अभी तो पॉजिटिविटी आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मंदिर पहुंचने वाले हैं। ओह चलो वाइब है, वाइब है, हैशटैग हैशटैग पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव वाइब है ना। कहानी है ना यहाँ की, कुछ कोई कहानी है यहाँ की? भीम की फोटो, भीम अच्छा चुल्लू मतलब उनका खाना बनाने का, आग जगाने का, मतलब यहाँ पे भीम का ओ वो रहा, उनकी फोटो भी, उनकी वो है ना मूर्ति भीम की। अच्छा ले लो, अच्छा तो ये गाइस भीम जी की मूर्ति। मम्मी देखना कितनी सारी लकड़ी उठा के ले आई। गाइस ये देखो, ये है भीम का चूल्हा, इतना बड़ा। ये तीन ताल का चूल्हा था, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाते हैं, यहाँ उनका खाना बनता था। अच्छा ये भीम ताल का चूल्हा बताया गया। क्या ये बचाते हैं क्या सबको? ये सबको बचाते हैं। कौन है? बजरंगबली। बजरंगबली नहीं है क्या? ये वो है भीम जी। भीम जी हाँ। चलो तो ये रहा घंडाल देवता का मंदिर का स्टार्टिंग गेट, और अभी यहाँ पर हम उतारेंगे जूते अपने। तो पहुँच गए हैं हम घंडाल देवता मंदिर। मम्मी पहुँच गई मैं तो, मम्मी के बराबर है घंटा। तो ये घंटा 101 किलो का है।